नदीम साहब ये जो दुनिया में वक्त चल रहा है ये वो वक्त है कि जिसमें दीन बाकी नहीं बचा दुनिया ही रह गई दीन बाकी नहीं बचा अब आपको फैसला ये करना है कि अगर दीन बाकी न बचे तो फिर क्या करें जिस तरह अगर आपकी गाड़ी पंक्चर हो जाए क्यों जी आपकी गाड़ी पंक्चर हो जाए तो फिर आपके डिग्गी के अंदर एक स्पेयर व्हील होगा वो निकाल के लगा दें उसको क्यों जी लेकिन मुसीबत मुस्लिम की यह है कि उनकी गाड़ी के चारों टायर पंक्चर हैं वो मानने को तैयार नहीं है कि गड्डी पंक्चर है ये सबसे बड़ा मसला है उनकी गाड़ी के चारों टायर हो सकता है कि डिग्गी वाला भी पंक्चर ही हो गाड़ी के सारे टायर पंक्चर हैं लेकिन ना का आलम है नहीं नहीं हमारा टायर तो पंक्चर हो नहीं सकता पंक्चर नहीं हो सकता तो फिर ये गाड़ी चल क्यों नहीं रही तुम्हारी कौन कौन मुस्लिम ऐसा है इस दौर में जो ये कहे कि इस्लाम अपनी पूरी तबोताब के साथ चमक रहा है और लोगों को फैजयाब कर रहा है फैजयाब कर रहा है इस्लाम के नाम का जो सलूक हो रहा है इस दौर में आपको मालूम है कि वो सुनकर हुजूर के कल पर क्या क्यामतें बीतती होंगी कि जिस दीन के लिए उन्होंने इतनी कुर्बानियां दी जिस उम्मत के लिए उन्होंने इतनी कुर्बानियां दी आज उस दीन के साथ क्या सलूक करवा रहे हैं मुसलमान और ये गैर खुद नहीं कर रहे ये मुसलमानों के करतूत हैं जो दीन इस्लाम को आज बदनाम किया जा रहा है मुसलमानों के करतूत हैं ये तो दीन तो बाकी नहीं बचा लेकिन आप ये सोचें कि दीन के ऊपर आपने अमल करना क्यों था क्योंकि आज के मुसलमान को तो पता ही नहीं है कि उन्होंने मुस्लिम क्यों बनना है साडा प्यो मुस्लिम साढ़े प्यो द्यो भी मुस्लिम ओदा प्यो भी मुस्लिम सी ऐसे भी मुस्लिम <laughs> सिर्फ ये जवाब है आपके पास आपको पता ही नहीं है कि भाई आपने इस्लाम क्यों खैर आपने तो कबूल ही नहीं किया आप तो पैदाइशी मुसलमान हैं। लेकिन ये जानना जरूरी है कि हम दीन पर अमल पैरा क्यों होते हैं जरूरत क्या है सही है ना भाई ये तो पता होना चाहिए मुसलमान को कि वो मुसलमान क्यों है और हिंदू को पता होना चाहिए कि वो हिंदू क्यों है क्रिश्चियन को पता होना चाहिए कि वो क्रिश्चियन क्यों है और यहूदी को पता होना चाहिए कि वो यहूदी क्यों है लेकिन आप खड़े हो जाएं इंडिया में किसी मकाम पर और कोई हिंदू जाए तो बोझ भाई जान आप हिंदू क्यों हैं, बोलेगा माफ करो यार भगवान तुम्हारा भला करे ऐसे सवाल सुनते ही नहीं है उनको पता ही नहीं है कभी ठंडे दिल से किसी मुसलमान को घर में बैठ के सोचना चाहिए कि यार मैं मुसलमान क्यों हूं भी भी। वो कौन सी चीज है कि जिसकी वजह से मैं मुसलमान हूं और हिंदू नहीं हूं इज मिसिंग बींगू वट इज इट दैट मुस्लिम इज नॉट मिसिंग बट ए क्रिश्चियन इज मिसिंग बिकॉज इज ए क्रिश्चियन इज नॉट अ मुस्लिम यानी कौन सी ऐसी चीज है कि जिसकी वजह से आपको मुस्लिम होना चाहिए क्यों भाई जैसे कि पासपोर्ट है एक है पाकिस्तानी पासपोर्ट एक है ब्रिटिश पासपोर्ट एक है कनेडियन पासपोर्ट एक है अमेरिकन पासपोर्ट ये वही बंदे हैं जो बैठे हुए हैं बंदे वही हैं जो पाकिस्तान से इंडिया गए थे हैं जब इनका पासपोर्ट बदला दुनिया में इनकी कदर कीमत बदल गई नहीं वही बंदे ना कोई नौकरी ना कोई बैंक बैलेंस वही बंदे अब अमेरिका में घूम रहे हैं ऑस्ट्रेलिया जाने की तैयारी हो रही है न्यूजीलैंड जाने की तैयारी हो रही है अरे भाई क्या बदलाव आ गया है आपकी साथ में आप तो वही बेअबारे लोग हैं जो बकरा मंडी में फिरते थे जो तीन हट्टी के ऊपर फिरते थे कनेडियन पासपोर्ट तो अब आप तारुद से भी पूछते हैं कि भाई आपने ये कनेडियन पासपोर्ट क्यों लिया हुआ है वो बार बार बेचारा बोल बोल के थक गया कि देखो जी मुझे पूरी तनजीमांत जो दुनिया भर में मिनाजु कुरान की हैं वहां जाना होता है उसके लिए मुझे वीज़ा अप्लाई करना होता है कोई वीजा देता था कोई नहीं देता था कोई कहता था तीन महीने लगेंगे तो इसके लिए मैंने कनाडा का पासपोर्ट लिया ताकि मैं हर जगह आराम से सफ़र कर सकूँ तो आपको मालूम है कि भाई ब्रिटिश पासपोर्ट क्यों लेना है अमेरिकन और कैनेडियन पासपोर्ट क्यों लेना है पाकिस्तानी पासपोर्ट क्यों नहीं लेना आपको मालूम है आप जानते हैं यानी जिसके पाकिस्तानी पासपोर्ट पर इंग्लैंड अमेरिका का वीजा लगा भी हो फिर भी उसको जो है ना लाइन में लगा के कुत्ते की तरह ट्रीट करेंगे तो आपको मालूम है ये बात कि भाई कैनेडियन पासपोर्ट क्यों है अगर कोई आपसे ये कहे जी कनेडियन पासपोर्ट दे गो हुबुल वतनी का इजहार करो पाकिस्तानी पासपोर्ट ले लो और ले चल <laughs> लेकिन आज अगर पाकिस्तानी पासपोर्ट की वैल्यू कनेडियन अमेरिकन ब्रिटिश पासपोर्ट से ज्यादा हो जाए जहां भी दुनिया में पाकिस्तानी पासपोर्ट उठा के आप जाएं कहीं का वीजा ना हो लोग इज्जत से देखें तो फिर आप पाकिस्तानी पासपोर्ट के पीछे भागेंगे <laughs> यानी मालूम यह या हुआ कि हर काम की कोई ना कोई वजह है भाई हम ब्रिटिश पासपोर्ट को क्यों इतनी फजीलत देते हैं कि उसके बड़े नहीं उसके बड़े फायदे हैं जहां जी चाहे चले जाओ है ना इसी तरह अब ये हिंदू है ये क्रिश्चियन है ये यहूदी है तुम मुसलमान हो मुसलमान हो पे होने पे तुमको फखर तो है लेकिन मुसलमान होना क्यों जरूरी है ये आपको पता ही नहीं है और जो मुसलमान होना जरूरी था क्या वो मुसलमान हो गए हो तुम अल्लामा इकबाल ने कहा कि तुम सिहाबे कराम की फतुहात के किस्से सुना के उसका क्रेडिट खुद लेते हो और अपने आप को अफजल करार देते हो लेकिन वो तुम नहीं थे वो तुम्हारे आबाव अजदाद थे जिनके पास किरदार था तुम क्या हो तुम्हारे पल्ले तो कुछ भी नहीं है तुम तो यार एक उम्मती नहीं बन सके तुम तो शिया बन गए तुम तो बन गए तुम तो, तो मर्जई बन गए तुम उम्मती तो बन नहीं सके अब तुमको क्या मिला इस्लाम से जब उम्मत मुस्तफ़ा में दाखला नहीं मिला तो इसका मतलब है कि आपके पास जो इस्लाम है ना वो के मार्ट का वाल मार्ट का इस्लाम है वो ओरिजिनल इस्लाम नहीं है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तखलीक करके दिया था हमको तो दीन इख्तियार इसलिए किया जाता है कि जो असली जन्नती हैं वो अपने जन्नत के दर्जात को पालें और जिनकी मंजिल अल्लाह की जात है वो उस दीन के जरिए अल्लाह तक पहुंच जाए अल्लाह उनके सीने में आ जाए वो बात करें तो अल्लाह का कलाम हो वो देखें तो नजर अल्लाह की हो जाए अब वो दीन जब तक रूहानियत का इल्म उस दीन में था वो दिन चलता रहा वो दिन चलता, चलता, चलता रहा और जब रूहानियत रब से कनेक्शन करने वाली तालीम हट गई तो अब देखो रूहानियत की इतनी अहमियत है कि जैसे अब ये लैपटॉप है ये बिजली से चलता है ठीक है ना अगर आप ये चार्जर उठा के फेंक दें कि जी बिजली का प्लग ये रहा लैपटॉप ये रहा हेरा ऐदी की लोड़ है फेंक तो वो जो कनेक्ट करने वाली थी ना बिजली से लैपटॉप को वो अपनी चीज फेंक दी अब ये चार्ज हो ही नहीं सकता वो तालीम भी इसी तरह इंसान को रब से जोड़ने वाली है वो चली गई कुरान लैपटॉप रह गया अब कर लो जो मर्जी करना है कुरानी है तुम्हारे पास वो तालीम चली गई जो रब से जोड़ती थी तो अब दीन और दुनिया की भलाई के बजाय यह कहें अब दीन और दुनिया की भलाई के बजाय यह ना कहें कि भाई दीन और दुनिया दोनों में खुशहाल कैसे रहेंगे यह जुमला छोड़ दें बल्कि अब यूं कहें कि दुनिया में भी खुशहाल हों और रब भी मिल जाए अब दीन का नहीं रब का वक्त आ गया उसके लिए दिलों को अल्लाह अल्ला में लगाएं सरकार ने फरमाया कि भाई तेरे बीवी बच्चे हैं कल्ब के बीवी बच्चे थोड़ी हैं उसका काम सिर्फ जिक्र करना है वो जिक्र करता रहेगा नूर बनाता रहेगा वो जब मुनवर हो गया तेरा रब से ताल्लुक जुड़ गया बस अब तू अपने काम काज करता रहे तू अपनी बीवी से बात कर बच्चों से माँ बाप से जॉब पे जा जो मर्जिया कर खूब कमा अच्छे से अच्छा खा अच्छे से अच्छी गाड़ी भी ले हथ कार वल दिल यार वल हाथ काम काज में लगा और दिल को अल्लाह अल्लाह में लगा पुढ़ाएवा... हाथ काम का अभी ये हाथ तो अल्लाह तक जा ही नहीं सकते इन आंखों से तू अल्लाह को देख ही नहीं सकता इस आवाज को तू अल्लाह तक पहुंचा ही नहीं सकता तो ये जिस्म तो अल्लाह के लिए नहीं बनाया ना ये जिस्म तो दुनिया के लिए बनाया ना इसको दुनिया में लगा दे और दिल को अल्लाह में लगा दे रब भी मिल गया तो दुनिया भी खुशहाल हो गई और दुनिया की खुशहाली कोई हराम नहीं है भाई हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई रब बना आती ना फिर दुनिया हंसना वफिल आखिरत हसना के अल्लाह ये दुनिया को भी मुझ पर खुशहाल कर और आखिरत को भी खुशहाल कर जो लोग कहते हैं जी ये गाड़ियां चला रहे हैं अच्छे कपड़े पहन रहे हैं दुनियादारी ये दुनियादारी नहीं है हजूर ने खुद दुआ की थी रब बना तना फिर दुनिया हसनतों वफिल आखरत हसनतों वना जब नार मेरी दुनिया को भी खुशहाल बना मेरी आखिरत को भी खुशहाल बना ये तो हजूर की दुआ है तो अगर आप अच्छा कपड़ा पहनते हैं अच्छी गाड़ी चलाते हैं अच्छी अनक लगाते हैं अच्छे घर में रहते हैं अच्छी जॉब करते हैं अल्लाह ताला आपको मुबारक कर सभी ज़्यादा तरक्की हो लेकिन उसके साथ साथ दिल को अल्लाह अल्ला में लगाएं, अंदर भी खुश बाहर भी खुश ये करें दस्त बकार दिल बार हाथ काम काज में और दिल अल्लाह अल्ला Power TV. Guidance. Brought to you.